हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे स्कूल या ऑफिस टिफिन के लिए सॉफ्ट पराठे। आप इन पराठों को डेली भी बना सकते हैं। इसमें हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे ये पराठे सुबह से शाम तक सॉफ्ट रहेंगे। आप इसे जरूर बनाएं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। एक बर्तन में गेहूं का आटा ले लीजिए। मैंने एक कप आटा लिया है। इसमें डाल दीजिए नमक। मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। घी या तेल को हल्का सा गर्म कर लेना है, बहुत गर्म नहीं करना है, और इसमें डाल देना है आधा चम्मच घी डालना है एक कप गेहूं के आटे में। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, आटे को कंबाइन कर देना है और ढक के साइड में रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जितना टाइम आपके पास है उतने देर के लिए रख सकते हैं। देखिए इस तरह से, पर आटे को अभी गूंथना नहीं है। इस तरीके से गूंथने से कम मेहनत में आटा बहुत अच्छे से गूंथ के तैयार हो जाता है। इस तरह से कंबाइन कर देने के बाद थोड़ा सा पानी लगा दीजिए और ढक दीजिए। एक कप गेहूं का आटा गूंथने में 1/4 कप पानी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है। 5 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को खोलिए और मसल मसल के थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट में ये आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें आटा बिल्कुल भी नहीं चिपका है, बर्तन बिल्कुल क्लीन है। इसका मतलब है कि आटा बहुत अच्छे से गूंथा है और आपस में एकदम मिल गया है। अब इस आटे से लोइयों को बना के रख लीजिए। लोई को ढक के रखना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी। एक लोई लीजिए, उसे राउंड कर लीजिए। गेहूं के आटे की डस्टिंग करते हुए गोल बेल लेना है। मैं यहाँ पे स्क्वायर पराठा बना रही हूँ, आप ट्रेंगल या राउंड भी बना सकते हैं। पहले इस तरह से गोल बेल लेना है, ऊपर से ऑयल या घी लगा देना है। आप अपने पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर देना है, फिर से घी या ऑयल लगा देना है, फोल्ड कर देना है। गेहूं के आटे की डस्टिंग करते हुए घुमाते हुए बेल लेना है। देखिए इस तरह से बेलना है। रोटी या पराठा बेलते समय अगर आपको एक जैसा बेलना है तो रोटी या पराठे पे बेलन से साइड साइड में थोड़ा सा प्रेस करना है और गोल गोल घुमाना है। इससे रोटी एक जैसी बेलेगी। साथ ही तवे को गर्म कर लीजिए, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तवा गर्म हो जाने के बाद पराठा डाल दीजिए। अगर तवा अच्छे से गर्म है तो 5 सेकंड में ही इसे पलट देना है। पलटने के बाद आप दूसरा पराठा या रोटी बेल सकते हैं, क्योंकि अब इसे 10 से 15 सेकंड लगेंगे दूसरे तरफ से होने में। तब तक मैं आपको दूसरा पराठा बेल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से बेल लेना है, ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है। दूसरा पराठा बेलते समय तवे वाले पराठे पर भी ध्यान रखना है। 10 से 15 सेकंड में दूसरे तरफ से इस तरह से हो जाएगा, उसमें थोड़े से दाग दिखाई देने लगेंगे ब्राउन कलर के। उसके बाद पलट देना है, घी या तेल लगा देना है, दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेना है। इस तरह से रोटी बनाने में हार्डली 40 से 50 सेकंड लगते हैं। इसी तरह सभी पराठे बनाते जाइए और निकाल के रखते जाइए। रखने का भी एक स्पेशल टिप है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इतनी सॉफ्ट रोटी के लिए एक लाइक तो बनता है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे मैंने आटे में सेंधा नमक क्यों डाला। सेंधा नमक में कुछ मिनरल्स होते हैं, इसलिए मैं हमेशा रोटी में, चावल में या फिर दाल में सेंधा नमक ही यूज़ करती हूँ। अगर आप फिल्टर पानी पीते हैं तो आप भी घर में सेंधा नमक जरूर यूज़ कीजिए। कम से कम एक टाइम तो हमें यूज़ करना ही चाहिए। जैसे ही हम तवे से रोटी उतारें, इस तरह से उसे फोल्ड कर देना है हाथों से दबाते हुए। इससे रोटी में की जो एयर है निकल जाएगी, इससे रोटियां या फिर पराठे और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। इन पराठों को आप सफ़र में भी ले जा सकते हैं। ये पराठे लगभग 24 घंटे तक ख़राब नहीं होते हैं। पराठों को सॉफ्ट बनाने के लिए कभी भी दूध के बदले घी ही यूज़ कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अब आप भी इसी तरह से पराठे बनाइए और कमेंट करके बताइए कि और कौन सी रेसिपीज़ आप लोग देखना चाहते हैं। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।